गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा ग्रामर का टॉपिक तशबीह। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि तशबीह किसे कहते हैं, यानी किसी एक चीज़ कंपैरिजन करना, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के तरह बताना ही तशबीह कहलाता है। तशबीह के मायना ही किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुशाबे करना या हम शक्ल करार देना, यानी उसके जैसे बताना। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना ही कि जैसा बताया है कि मानिन तशबीह कहलाता है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना ही क्या कहते हैं, हम उसे तशबीह कहते हैं। जैसे आपने कहा चाँद जैसा चेहरा, यानी आप चेहरे को चाँद के जैसे बता रहे हैं। पत्थर जैसा दिल, यानी आप दिल को पत्थर जैसा बता रहे हैं। तो ये कहलाता है तशबीह कहलाता है। एक शेर है, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये जो अशार है ये काय का है, ये अशार तशबीह का है। जैसे नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पे लब यानी होठ, नाजुकी यानी नज़ाकत। लबों को किससे तशबीह दी गई है, पंखुड़ी से। किसकी, गुलाब की एक पंखुड़ी जो है उसको उसे तशबीह दे गई है। और किस वजह से दी गई है, जैसे जो लब होते हैं वो भी नाजुक होते हैं और पंखुड़ी भी नाजुक होती है। हमारे होठों का कलर जो होता है वो भी गुलाबी होता है और पंखुड़ी भी गुलाबी होती है। लब भी खूबसूरत होते हैं और पंखुड़ी भी खूबसूरत होती है। तो हम कुछ खूबियों की वजह से हमने लबों को किससे तशबीह दी है, पंखुड़ी की से। तो नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, ये एक तशबीही अशार है। इसके अंदर लब जो है, तशबीह के अंदर चार हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, चार हिस्से होते हैं। पहला होता है मुशब्बा, दूसरा होता है मुशब्बे, और तीसरा होता है हुरूफ़ तशबीह, चौथा है वजीह तशबीह। यानी मुशब्बा किसे कहते हैं, मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं। जैसे आपने तशबीह किसको दी है, होठों को दी है, तो यहाँ पर होठ क्या है, यहाँ पर होठ जो है वो मुशब्बा है। दूसरा होता है मुशब्बा बह, यानी जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा बह कहते हैं। आपके पहला सेंटेंस है चाँद जैसा चेहरा, चाँद जैसे चेहरे में चाँद क्या है, मुशब्बा बे है, और चेहरा क्या है, मुशब्बा है। यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा बे कहते हैं। हमने चेहरे को किसे तशबीह दी है, चाँद से दी है, तो हमारा चेहरा तो क्या है, मुशब्बा है, और चाँद क्या है, मुशब्बा बे है। इसका तीसरा हिस्सा होता है हुरूफ़ तशबीह, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि तशबीह दी गई है। तो जिस हुरूफ से लगता है कि तशबीह दी गई है उसे हुरूफ़ तशबीह कहते हैं। जैसे जैसा, की तरह, की सी, मानिंद, जैसे उसका चेहरा चाँद की तरह है, वो शेर जिके जैसे भागता है, वो शेर जैसा बहादुर है, उसका चेहरा चाँद की मानिंद है। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड से लग रहा है, यहाँ पर तशबीह दी गई है, जैसे की सी है, की तरह, की मानिन, की जैसा, ये क्या है, हुरूफ़ तशबीह। दूसरा है अपना, चौथा है वजह तशबीह, जिस वजह से तशबीह दी गई है उसे वजह तशबीह कहलाती है। चाँद जैसा चेहरा, इसमें तशबीह की वजह क्या है, खूबसूरती है। पत्थर जैसा दिल, अब यहाँ पर आपने जो दिल को पत्थर से तशबीह दी है तो किस वजह से दी है, कठोरता की वजह से दी है, तो यहाँ पर ये क्या है, वजह तशबीह। तो हमारे इसके अंदर कितने होते हैं, हमारे तशबीह के अंदर चार हिस्से होते हैं। पहला होता है मुशब्बा, दूसरा होता है मुशब्बा बे, तीसरा होता है हुरूफ़ तशबीह, और चौथी होती है वजह तशबीह। यानी ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, तशबीह को बनाते हैं। और तशबीह का आपको मालूम है कि ये उसके अंदर क्या किया जाता है, कंपेरिज़न किया जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था तशबीह, जो क्लियर हुआ है। अब उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।